हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल करियर पॉइंट कंपटीशन क्लासेस बाय किशन झा। तो आज हम 16 अप्रैल 2020 का जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको लेकर आए हुए हैं। तो आज से मैंने करंट अफेयर्स का भी क्लास चालू किया है अपने चैनल में। तो डेली के डेली जितने जो भी डेली का डेली करंट अफेयर्स है, कुछ दिनों का नहीं, ओनली डेली का डेली यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स अपडेट मिलेंगे। तो अगर आप एक कंपटीशन टाइप के स्टूडेंट हो तो आपको यहाँ पर डेली के डेली करंट अफेयर्स मिलेंगे। और आज 16 अप्रैल 2020 का करंट अफेयर्स बना रहा हूँ, तो कल 17 अप्रैल 2020 का करंट अफेयर जो इम्पोर्टेंट है वो आपको मिल जाएंगे। तो अगर आपको डेली के डेली करंट अफेयर्स चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको इससे पूरा अपना ज्ञान लें। तो अगला, चलिए हम चालू करते हैं 16 अप्रैल 2020 के इम्पोर्टेंट जो भी करंट अफेयर्स हैं आज के। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन क्या बोलते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या आता है, पहला क्वेश्चन हमारा आता है कि भारतीय रिजर्व बैंक के किस पूर्व गवर्नर का IMF ने 12 व्यक्तियों के सलाहकार समूह में शामिल किया है। तो क्या है, रघुराम राजन ने किया है। अगला क्वेश्चन आते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, यही रघुराम राजन का फोटो है। अगला क्वेश्चन आते हैं, अगला क्वेश्चन हम, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसका, हर क्वेश्चन का आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट मिलेगा कि जो क्यों हुआ है, कैसे हुआ है। तो आप वीडियो प्यूज करके पढ़ सकते हैं, मैं उसको पूरा पढ़ पढ़ के बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसीलिए दूसरा क्वेश्चन आता है, दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, संपर्क ट्रेसिंग तकनीक विकसित करने के लिए एप्पल ने किसके साथ साझेदारी की है। वो एप्पल ने गूगल के साथ साझेदारी की है। अगला क्वेश्चन आते हैं, ये इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसको प्यूज करके पढ़ सकते हैं क्यों हुआ, कैसे हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोला है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि किस राष्ट्रीय उद्यान को जानवरों के लिए भारत की पहली संगरोध मतलब क्वारंटीन सुविधा स्थापित की है, वो क्या है, जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क ने। अगला क्वेश्चन आते हैं, इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आप इसको पढ़ सकते हैं, वो देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट सब इसका फैक्ट से आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में समानता दिवस कब मनाया गया, हाल ही में समानता दिवस कब मनाया गया, तो कल मनाया गया है 16 अप्रैल आज, परसों मनाया गया था 14 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन ये इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट है, क्यों मनाया गया, कैसे मनाया गया, क्यों किस लिए मनाया गया है। तो चलिए, यही बाबा भीमराव अम्बेडकर यानी कि जयंती के लिए मनाया गया है। अगला क्वेश्चन आते हैं, IMF ने भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, वह 1.9% लगाया है भारत की विकास दर। चलिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसका, इसको पढ़ सकते हैं आपको। अगला क्वेश्चन आते हैं, हाल ही में पहला विश्व चकास रोग दिवस कब मनाया गया है, वह मनाया गया है 14 अप्रैल को, परसों। इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट है, क्यों मनाया गया है, किस लिए मनाया गया है, यहाँ पर इसको आप वीडियो प्यूज करके पढ़ सकते हैं अपने नॉलेज के लिए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए शताब्दी शुभारंभ किसने किया, नरेंद्र मोदी ने, आप सबको पता है शताब्दी शुभारंभ किसने किया, नरेंद्र मोदी ने किया। अगर इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट है, क्यों किया, क्या है इसका 7 मंत्र, इन्होंने पूरा न्यूज पर भी आके बताया होता है, आप यहाँ पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन आते हैं, हाल ही में BCCI के उपाध्यक्ष के किस पद से किसने इस्तीफा दिया, महिम वर्मा ने। इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट है, क्यों दिया और कैसे दिया, इसको आप पढ़ सकते हैं BCCI के बारे में। अगला क्वेश्चन, अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग NIC द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किए गए डिजाइन सॉफ्टवेयर सिस्टम का नाम क्या है, उसका नाम क्या है, कोलैब CAD। अगला क्वेश्चन आते हैं, इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको आप पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन आते हैं, देखिए वही वो डिजाइन है जो लॉन्च किया गया है एप्लीकेशन। अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, COVID-19 के इलाज के लिए किस देश ने भारत को 1.7 लाख PPE kit भेजी है, वो क्यों भेजिए, चीन ने भेजी है। अगला क्वेश्चन आते हैं, इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आप इसको पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन आते हैं, लघु व मध्य उद्योगों को आपातकालीन ऋण देने हेतु सेफ प्लस योजना शुरू की है, किसने की है, SIDBI द्वारा शुरू किया गया है। इसका क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको आप पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, लॉकडाउन में डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए RBI ने ट्विटर अभियान में किस अभिनेता को शामिल किया है, तो आप न्यूज़ देखेंगे आपको पता होगा, अमिताभ बच्चन को शामिल किया गया है। तो हमारा अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय थल सेना ने
सियाचिन दिवस कब मनाया, भारतीय थल सेना ने सियाचिन दिवस कब मनाया, तो वो मनाया है 13 अप्रैल को, 13 अप्रैल को भारतीय थल सेना सियाचिन दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप इसको पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन आते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है ये देखिए, भारतीय सियाचिन दिवस सेना के प्रमुख नाम कौन क्या है, यहाँ पर आपको दिया गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं, रोक कर वीडियो पूछ करके, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगला पॉइंट पे आते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोला है, किस राष्ट्रीय उद्यान में जानवरों के लिए भारत में पहली संगरोध क्वारंटीन सुविधा स्थापित की है, जिम कार्बोनेट पार्क में किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारे ये देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको पढ़ सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कोविड-19 का इलाज करने के लिए आयुर्वेद के साथ एलोपैथी का प्रयोग करने वाला पहला राज्य कौन बना, वो बना है गोवा। अगर आप न्यूज़ देखेंगे तो आपको पता होगा, ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्यों हुआ कैसे हुआ, आप इसको रुक कर पढ़ सकते हैं। गोवा राज्य के बारे में यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, रोजगार सृजन योजना किस राज्य में शुरू किया गया है, वो बिहार में किया गया है, रोजगार सृजन योजना बिहार में शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन, क्यों किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है, आप इसको पॉइंट में पढ़ सकते हैं, उद्देश्य के साथ आपको इस वीडियो में दिया जाएगा, ऐसा किसी यूट्यूब चैनल ने नहीं किया हुआ कि आपको उद्देश्य के साथ पूरा एकदम व्यू पॉइंट क्यों हुआ कैसे हुआ इसको आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन आते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में विश्व चगास रोग दिवस वर्ल्ड चगास डिजीज डे कब मनाया गया, वो कब मनाया गया, परसों 14 अप्रैल को मनाया गया है। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, देखिए आपको बता रहे हैं कि इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप इसको पढ़कर पूरा इसके बारे में नॉलेज ले सकते हैं। तो अप्रैल के महत्वपूर्ण दिवस आपको ये देखिए, अप्रैल में कौन कौन से महत्वपूर्ण दिन हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं, अप्रैल के पूरे अप्रैल माह का पूरे इम्पोर्टेंट दिन के। अगला क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में विरूपाक्ष मित्रा किस बैंक ने MD एंड ECO नियुक्त हुए हैं, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के विरूप मित्रा जो किस वो MD और CEO के पद पर नियुक्त है यूनियन बैंक के। अगला क्वेश्चन में क्या हो रहा है, भारत की पहली दूरस्थ स्वस्थ नागरिका प्रणाली किस शहर में स्थापित की गई, वो कहाँ गई, ऋषिकेश में की गई है। अगला क्वेश्चन आते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप पढ़ सकते हैं, भारत सरकार ने 2,000,000 खुदरा दुकानदारों की श्रृंखला किस नाम से शुरू करने की घोषणा की है, वह सुरक्षा स्टोर के नाम से की गई है। अगला क्वेश्चन इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट आप पढ़ सकते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर क्या बोला है, डिजिटल स्टेथोस्कोप आयुषनक, डिजिटल स्टेथोस्कोप आयुषनक किस IIT ने विकसित किया है, वह IIT बॉम्बे ने किया है। अगला क्वेश्चन आता है, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्यों किया है कैसे किया है सब पढ़ सकते हैं आप। भोगापुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में बनाया जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में नया हवाई अड्डा बनाया जा रहा है जिसका नाम है भोगापुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। देखिए अरुणाचल प्रदेश के बारे में पूरा यहाँ पर डिटेल्स दिया हुआ है, आप यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ सकते हैं। कौन सा देश 2020 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा, तो भारत इस साल 2020 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप की आयोजन करने जा रहा है, इम्पोर्टेंट पॉइंट इसका है, आप पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में MK अर्जुनन का निधन हुआ है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था, वह एक गायक थे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, तो अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, ऑक्सफोर्ड कोविड-19 गवर्नमेंट रिस्पांस ट्रैकर के अनुसार कौन सा देश पूरी दुनिया में कोरोना वायरस से लड़ने में सबसे मजबूत देश बनकर उभरा है, तो आप सबको पता है भारत, जहां सबसे कम मरीज अभी है लगभग 13,000 के आसपास है, तो भारत बहुत कम है। तो इसी के साथ हमारा 16 अप्रैल 2020 का करंट अफेयर जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स था वो ख़त्म होता है, तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होता है, तो कल आपको 17 अप्रैल 2020 का जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है आपको मिल जाएगा। तो और एक और सूचना कि अगर आप मेरे व्हाट्सअप ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ आपको इस सभी डेली बाई डेली करंट अफेयर्स और डेली न्यूज़ जो भी एक बार आता है उसका आपको PDF हमारे ग्रुप में डेली बाई डेली मिलता रहेगा, जिससे आपके कंपटीशन की बेहतर तैयारी होती रहेगी।
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और आगे अपने फ्रेंड्स में अपने ग्रुप में शेयर करें कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बच्चे इसको पढ़कर इसका लाभ ले सके। तो चलिए नमस्कार भाइयों दोस्तों, हम चलते हैं अगले वीडियो में, कल मिलते हैं, धन्यवाद।